हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बताने जा रही हूँ आप लोगों को हलवाई स्टाइल आलू की सब्ज़ी और पूरी की रेसिपी। बट ये नॉर्मल पूरी नहीं है, इसमें स्टफिंग है पनीर का। तो ये देख के बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बहुत ही यम्मी बनता है ये और पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर कुछ है। तो चलिए मैं बताती हूँ आज की रेसिपी। अगर पसंद आए तो मेरे वीडियो को एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज घर पर ही बनाते हैं हलवाई स्टाइल पूरी सब्ज़ी। तो सबसे पहले हम लोग पूरी के लिए आटा गूनेंगे। तो आटे के लिए मैंने 1 कप होल व्हीट फ्लार लिया है, उसमें मैंने डाला है 1/4 टीस्पून सॉल्ट। फिर उसमें मैंने डाला है 1 टेबलस्पून ऑयल और फिर इसे हाथों से अच्छे से मिला लेंगे और पानी थोड़ा थोड़ा जितना ज़रूरत है उतना डाल डाल के इसका एक पूरी जैसा सख्त डो बना लेंगे। तो देखिए बहुत बढ़िया बन चुका है ये डो, बिल्कुल ऐसे ही डो चाहिए पूरी के लिए। और चलिए इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं। तो मैंने ये क्रम्बल किया हुआ 1/2 कप पनीर लिया है और इसमें मैंने डाला है सॉल्ट। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर, क्यूमिन पाउडर, आप चाहें तो चिली पाउडर भी डाल सकते हैं। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ चाट मसाला। इन सबको अच्छे से मिला देंगे और अच्छे से मिला के एक जगह करके इसकी छोटी छोटी सी जो लोई होती है वो बना के रख देंगे ताकि पूरी के अंदर इसे स्टफ करने में इजी रहेगा। देखिए ऐसा। चलिए अब आलू की सब्जी बनाते हैं। उसके लिए मैंने एक पैन चढ़ाया है, उसमें मैंने ऑयल डाला। ऑयल जैसे ही गर्म होने लगे सबसे पहले मैंने इसमें डाला है क्यूमिन सीड। क्यूमिन सीड जैसे ही क्रैकल होने लगे इसमें मैंने डाला हींग, उसके बाद 1 तेज पत्ता। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड जिंजर। इसे थोड़ी देर के लिए भून लेंगे, 4 से 5 सेकंड के लिए मीडियम फ्लेम पे। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ ग्रेटेड अनियन। ये ग्रेट किया हुआ अनियन है, ना पेस्ट है ना कटिंग है, इसको मैंने ग्रेटर में ग्रेट किया। ये मीडियम साइज़ का एक अनियन है, इसमें जो भी चीज़ पड़ेगा इस सब्जी में वो सब कुछ ग्रेटेड होगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ होल ग्रीन चिली, जिसको मैंने बीच से बस ऐसे कट लगा दिया है। थोड़ी देर प्याज 5 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें ग्रीन चिली ऐड करूँगी। तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया है प्याज का। 5 से 7 मिनट ग्रीन चिली डालने के बाद मैंने और भुना है इसे। फिर मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी। तो मैंने ऐड किया हल्दी पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने ऐड किया है। फिर मैं इसमें ऐड करी धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, और ब्लैक पेपर पाउडर। फिर इसे अच्छे से थोड़ा मिला देंगे और इसमें मैंने 1 टोमेटो मीडियम साइज़ का लिया जिसके जिसे मैंने ग्रेट कर दिया है, उसे भी मैं इसमें डाल दूंगी। और फिर इसे मसालों के साथ अच्छे से भूनूंगी 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे। तो देखिए मसालों का कलर अपने आप चेंज हो रहा है भूनते भूनते। तो 5 से 7 मिनट भूनने के बाद फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गर्म मसाला पाउडर और गर्म मसाला के साथ भी इसे अच्छे से मिला दूँगी। 2-3 मिनट गर्म मसाला के साथ इसे भून लेंगे। मसालों से ऑयल बिल्कुल निकल गया है। फिर मैं इसमें ऐड करूंगी बॉयल किया हुआ मीडियम साइज़ का मैंने 5 पोटैटो लिया है। इसे हल्का हल्के हाथों से तोड़ दे इसके अंदर और सबको मिला दे। जब ये अच्छे से मिल जाए तो इसमें मैं ऐड करूंगी पानी। तो पानी मैंने जितना आपको ग्रेवी चाहिए उसके हिसाब से ले सकते हैं। मैंने 1.5 कप पानी ऐड किया था इसमें। और इसे अच्छे से मिला देंगे। फिर इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट टू टेस्ट और सॉल्ट को भी अच्छे से मिला देंगे। और फिर इसे ढककर छोड़ देंगे 5 से 7 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे।
5 से 7 मिनट बाद मैंने ढक्कन हटाया तो देखिए सब्जी बिल्कुल भी तैयार है। ओके, और अगर आपको आलू थोड़ी खड़ी खड़ी लग रही है और सब्जी पतली है तो आप इसमें स्मैश कर दें इस आलू को, तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी, तो सब्जी बिल्कुल तैयार है। तो चलिए आप पूरी बनाते हैं। पूरी बनाने के लिए सबसे पहले मुझे आटा जो लगाया था उसे मैंने 15 मिनट का रेस्ट दिया था। 15 मिनट बाद मैं पूरी बनाना स्टार्ट कर रही हूँ, तो इसे पहले मैं ऐसे गोल शेप दूंगी इसके अंदर स्टफिंग डालने के लिए, और इसे चारों तरफ से बंद कर दूंगी जैसे कोई स्टफिंग पराठा बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही, और बहुत बड़ी बड़ी या मोटी मोटी लोई ना लें, छोटी छोटी पतली पतली पूरी जैसे होती है वैसे ही बेलें चारों तरफ से। तो देखिए ये तैयार हो गई है। इसी तरह से मैं दूसरा भी बना लूंगी। तो चलिए अब इसे फ्राई करते हैं। फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म किया था, और फिर मैं इसमें एक एक करके पूरी डालूंगी और हल्के हल्के से इसे किनारों से प्रेस करूंगी, ये अपने आप फूलता जाएगा। बस अच्छे से इसे बेलें और चारों तरफ से इसे अच्छे से स्टफिंग डालें इसमें। स्टफिंग डालने के बाद इसे पैक अच्छे से करें। देखिए पूरियां बिल्कुल फुली फुली सी हो रही है। बस तैयार है गर्मा गर्म पूरी सब्जी। जो चलिए इसे सर्व करते हैं। तो बस झटपट बन जाने वाली ये पूरी सब्जी घर में एक बार ट्राई जरूर करिएगा, बहुत ही टेस्टी बनता है ये, और खास करके ये सब्जी इस पूरी के साथ बहुत ही अच्छी लगती है। तो कैसा लगा मेरा ये वीडियो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आए तो एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा घर में, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मैं मिलती हूँ आप लोगों से अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।